बहुत अच्छा सवाल बिहार के सांसद लोग उठा रहे हैं, आपके माध्यम से बिहार के माननीय सांसद जी को भी और देश के जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में 3 साल का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बात पर ध्यान रखिएगा, 3 साल का लक्ष्य बिहार को प्राप्त अभी तक नहीं हुआ। 2018-19 में एक भी बिहार को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। 2022-23 में एक भी व्यक्ति को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। भारत सरकार ने बिहार को लक्ष्य नहीं दिया और 2023-24 जो चल रहा है उसमें भी बिहार को अभी तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे जो सांसद महोदय हैं, आप उनसे पूछिएगा कि 3 साल का लक्ष्य कब मिलेगा। ये माननीय बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। और जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं ग्रामीण विकास का, तब से बिहार को एक भी लक्ष्य बिहार को आवास योजना का नहीं मिला है। ये मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ और ये सारा चीज़ आज नेट पर है, देख सकते हैं, कहीं से भी बैठा आदमी पता कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी समाज में सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, तो उनके नफरत का जवाब मिल जाएगा। और देश की जनता समझ चुकी है कि ये नफरत फैला करके समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं, आपस में मिल्लत को खंडित करना चाहते हैं। इनका सारा खेल समझ चुकी है देश और बिहार की जनता। आने वाले 2024 के चुनाव में इसका पूरा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ रहने वाले सबको मिल जाएगा। ऐसी खबर रहे, लेकिन बिहार में जब से नीतीश कुमार जी का शासन है, तब से जो महादलित परिवार है, जो दलित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसको राष्ट्र के मुख्य धारा में लाया गया है। जो काम आज़ादी के इतने दिन बाद नहीं हुए थे, वो काम श्री नीतीश कुमार ने किया है। जो हमारा जो दलित परिवार है, जो हमारा गरीब परिवार है, उसको विकास की रोशनी से काफ़ी दूर था और 7 निश्चय योजना ला करके उन गरीबों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उनको घर में नल का जल पहुंचाया, उनके घरों में बिजली पहुंचाई, उनके गलियों में नाली और गली का पक्कीकरण किया और भी जो सरकार की सुविधा है उस सुविधाओं से उनको हम लोगों ने लैस किया। आज नीतीश कुमार जी पर बिहार के दलित और गरीब लोगों को गरीब लोग आज गर्व कर रहे हैं। माननीय जीतन राम मांझी जी की बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है? जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था, अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी, अब वहाँ मिठाई जाने लगी। जिस गरीब के घर में सब्जी नहीं जाती थी, सब्जी जाने लगे। उनके बच्चों के कपड़े जाने लगे। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आ गई, महिला हिंसा की घटना में कमी आई है और वो गरीब परिवार आज खुशहाल हो रहा है, आज अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है, अपने बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे आज हाथ पसारना नहीं पड़ रहा है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए उनके सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तब ऐसी हालत में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो कौन मानेगा? और जीतन राम मांझी जी आदरणीय जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते हैं, जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। और ये जो काम बिहार में हुआ है, ये नीतीश कुमार जी के देखरेख में काम हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं
शराब बंद करूंगा और जो समाज में अनैतिकता है, समाज में जो गैर बराबरी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस बात को कह के गए हैं, अगर उसको कोई चुनौती दे रहा है तो उनका तो मालिक कौन होगा वही समझ। लेकिन जब बैठक होती थी सभी दलों के साथ, मीटिंग होती थी तो नहीं बोलते थे। तो कहने का मतलब है कि वो जो बोलते हैं वो पीछे से बोलते हैं, आगे से नहीं बोलते थे। उनके लड़के तो मंत्रिमंडल में शामिल थे, एक दिन भी ये सवाल नहीं उठाया। अब जब सरकार से हट गए, गठबंधन से अलग हो गए, तो तरह तरह की बात बोलते हैं, लेकिन उनके बातों पर अब कोई बिहार का गरीब भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि हर गरीब जानता है कि शराबबंदी होने से हमको फ़ायदा हुआ है, शराबबंदी होने से हमें लाभ मिला है। तो ये गरीब लोगों बिहार में और पूरे देश में ये मैसेज चला गया, और देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो भी चाहती है कि आज ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी हो, जिससे देश में जो अत्याचार है, जो जुल्म है और जो महिला हिंसा हो रही है और जो गरीबों को ठगा जा रहा है, गरीब उससे बीमार पड़ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो हर लोग चाहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। की सरकार दिल्ली की सरकार नहीं है, दिल्ली में जुमलाबाजी चलता है, अब बिहार में काम होता है। जो परीक्षा देंगे और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो दहने बाएँ करने वाले लोग हैं वही ये सवाल उठा रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चिंता में हैं कि भाई क्या होगा। हम लोग गच्छे थे 2 करोड़ और साल में, यहाँ गच्छा गया है 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने के लिए बिहार की सरकार ने तय किया है। तो बिहार की सरकार जब इसको पूरा कर देगी तो हम क्या करेंगे। यानी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चिंता में डूबे हुए हैं, और 2024 के बाद देश की जनता उनको आराम करने के लिए इंतजाम कर रही है, तो आराम करेंगे 2024 के बाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।